हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ हिस्ट्री का चैप्टर 4 जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग सेक्शन 2.4 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि न्यू ट्रेड किस तरह से क्रिएट किया गया, किस तरह से न्यू एम्प्लॉयमेंट, कौन कौन सी न्यू सर्विसेज जो थी वो लगाई गई और कौन कौन से न्यू मतलब ऐसे काम लगाए गए। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग को पता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस जो थे वो मतलब लगा दिए थे, फॉरेस्ट को टोटली कंट्रोल में ले लिया था कुछ एजेंसीज़ ने, जिसकी वजह से जो लोकल पॉपुलेशन थी उनकी लाइवलीहुड जो था वो लॉस्ट हो रहा था, मतलब उनका जो रोज़गार था वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा था। और जो उनकी मतलब कुछ ही लोग थे जिनको इन रूल्स एंड रेगुलेशन से बेनिफिट प्रॉफिट जो था वो गेन हो रहा था और वो अपना ट्रेड जो थे वो खोल सकते थे, ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते थे। बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ थी, बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशन जो कि ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस को एंजॉय करते थे, लाइक पोचिंग हो गया और मतलब हम लोग बोल सकते हैं हंटिंग वगैरह वगैरह, या गैदरिंग फायरवुड वगैरह वगैरह और फ्रूट्स वेरीज को कलेक्ट करना, ये सब चीज़ें जो ट्रेडिशनली उनकी ऑक्यूपेशन रही वो कहीं ना कहीं लेफ्ट हो गई। किसकी वजह से? जब रूल्स एंड रेगुलेशंस जो थे वो फॉरेस्ट में लगाए गए, उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का ट्रेड जो था वो स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो ट्रेडिंग सिस्टम था ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं हो रहा था, ये वर्ल्ड में हर एक कंट्री में ऐसा देखने को मिल रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पर बताया गया है, जैसे जैसे डिमांड जो थी वो बढ़ रही थी रबर की 19th सेंचुरी के मिड में, और वहाँ पर बताया गया कि ये जो जगह है जिसका नाम है मुंदुरजू, के जो पीपल थे, ये जो लोग थे वो ब्राज़ीलियन मतलब अमेज़ोन से बिलोंग करते थे, एक विलेज था। ठीक है, तो वहाँ पर देखा गया उन्होंने क्या कल्टीवेट करना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा मतलब कल्टीवेशन जो थी वो स्टार्ट कर दी, किसकी? मेनियोक की। और उसके बाद उन्होंने लेटेक्स भी कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। लेटेक्स क्या होता है? वनस्पति का जो दूध होता है उसको कलेक्ट करना शुरू कर दिया, ताकि वो क्या कर सके, रबर ट्रीज़ की मतलब जो सप्लाईज है वो किसको दे सके, ट्रेडर्स को दे सके। और ग्रेजुअली देखा जाए तो ये जो लाइवलीहुड था, ये जो ट्रेडिंग पोस्ट थी, वो धीरे धीरे क्या होती जा रही थी, वंशज होती जा रही थी, डिसेंडेड होती जा रही थी। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रेड जो था वो पूरी मतलब जो लोग थे सिंपली अगर हम लोग बात करें वो टोटली ट्रेडर्स पर ही डिपेंड थे। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें इंडिया की, तो वहाँ पर बताया गया कि ये जो फॉरेस्ट का ट्रेड करा जा रहा था, फॉरेस्ट के जितने प्रोडक्ट्स थे उनका जो ट्रेड हो रहा था वो कोई नया मतलब सिस्टम नहीं था। ठीक है, तो ये मिडिवल पीरियड ऑनवर्ड जो था वो ट्रेड फॉरेस्ट का चल रहा था, तो इसमें हम लोगों ने ये रिकॉर्ड किया, ये जो आदिवासी कम्युनिटीज़ थी वो ट्रेड करती थी, उन्होंने किस चीज़ का ट्रेड करना स्टार्ट किया, एलिफेंट्स का और कुछ अदर गुड्स थे जैसे हाइड्स हो गए, हॉर्न्स हो गए, सिल्क कोकून्स हो गए, ओवरीज होगी, बैम्बो, स्पाइसेस, फाइबर्स, ग्रासेस, गम्स एंड रिजन्स। ठीक है, ये ऐसी चीज़ें थी जिनका वो ट्रेड करते थे, अपनी लाइवलीहुड को रन करते थे। ठीक है, रोज़गार मतलब उनका यही था, इन्हीं चीज़ों को वो सेल करते थे, हाथी की चीज़ें जैसे टस्क वगैरह हो गए। ठीक है, तो उसके बाद ये जो नमाडिक कम्युनिटीज़ थी जिनको हम लोग बंजारास कहते हैं, वो डोर टू डोर जाके इन चीज़ों को सेल करते थे। उसके बाद जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया, ब्रिटिश गवर्नेंस जो थी वो इंडिया में आ चुकी थी, तो उन्होंने ट्रेड को कम्प्लीटली गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले लिया, मतलब अपने कंट्रोल में ले लिया। अब ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए जिसके अकॉर्डिंगली कोई भी अदर इंडियन जो थे वो मतलब ट्रेड नहीं कर सकते थे, सिर्फ यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स जो थी वो ट्रेड कर सकती थी, सिर्फ उन्हीं के पास एक राइट टू ट्रेड था कि वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट का ट्रेड कर सकते थे सिर्फ कुछ पार्टिकुलर एरियाज़ में। ठीक है, ग्रेजिंग और हंटिंग जो थी लोकल पॉपुलेशन के द्वारा टोटली वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी कि ग्रेजिंग और हंटिंग जो है जो लोकल लोग हैं यहाँ के वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे, उन पर पाबंदियाँ लगा दी गई थी। इतना ही नहीं, ये प्रोसेस जो थी उसमें बहुत सारे पैस्टोरलिस्ट थे, नमाडिक कम्युनिटीज़ थी, लाइक कोरावा था, खराचा था और ज़िरुकुला। ठीक है, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी से बिलोंग करते थे, जिनका रोज़गार किसकी वजह से, ब्रिटिश गवर्नमेंट के डिसीजंस की वजह से उनका रोज़गार ख़त्म हो गया, पूरी तरह से लॉस्ट हो चुका था। और बहुत सारे लोगों को तो क्रिमिनल ट्राइब्स कहा जाता था। क्रिमिनल ट्राइब्स क्यों कहा जाता था? जस्ट बिकॉज क्योंकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ओबे नहीं करते थे, इसकी वजह से उनको क्रिमिनल्स का टाइटल दे दिया गया था। और बहुत सारे
मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो कम्युनिटीज़ थी उनको फोर्सफुली काम करने के लिए कहा गया, उनको फैक्ट्रीज़ में, माइनिंग में और प्लांटेशन साइट्स पर भेजा जाता ताकि वो गवर्नमेंट के सुपरविज़न में काम कर सकें। अब न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो थी वर्क की, वो मतलब इतनी अच्छी नहीं थी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसी इम्प्रूव्ड एक टेक्नोलॉजी या इम्प्रूव्ड ऐसे वेज नहीं बनाए जा रहे थे जिससे लोगों का वेलबींग हो सके, लोगों को मतलब लोगों का कंफर्ट मिल सके, उनको बेहतर फील हो सके, अच्छा फील हो सके। तो अगर हम लोग बात करें आसाम की, तो वहाँ पर दोनों मेन और विमेन जो थे वो फॉरेस्ट कम्युनिटीज़, जैसे मतलब फॉरेस्ट मतलब चीज़ें कलेक्ट करते थे। लाइक कौन कौन सी कम्युनिटीज़ थी, संथलास ठीक है, और ओरियानोस जो कि झारखंड से बिलोंग करते थे, और गोंडास जो थे वो छत्तीसगढ़ से, उनको रिक्रूट किया गया, मतलब उनको भर्ती किया गया ताकि वो क्या कर सके, काम कर सके टी प्लांटेशंस में ठीक है। और उसके बाद उनकी वेजेस जो थी वो बहुत ही लो थी, बहुत ही मतलब हम लोग बोल सकते कम थी, वर्किंग कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी, बहुत वर्किंग कंडीशन जो थी वो बहुत ही बैड थी। और उसके बाद उनको इतनी इजीली उनके घर भी नहीं भेजा जाता था, उनके विलेजेस में नहीं भेजा जाता था जब उनको एक बार रिक्रूट कर लिया जाता था ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।